गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 के मैथ स्टेप्स में टेस्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। टेस्ट 2 से जितने भी कल हम लोग आपको क्या बताए थे, एक्सरसाइज 31 से सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए थे, और आज हम लोग उसके बाद जो चैप्टर है टेस्ट 2 जो है ना, हम लोग इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर क्लियर करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो टेस्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टेस्ट 2 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास 3 मैथ टेस्ट 2, डेट आपका सही है, डेट यही है, क्लियर। तो ध्यान देना है कि टेस्ट 2 में जो है आपका क्वेश्चन है फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड। तो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड क्या है, 349 इंटू 241, इसको फाइंड करना है। तो इंटू है, मल्टीपल करना है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग मल्टीपल कैसे होगा से। ओके, करके देखते हैं इसका ठीक भी होता है। पहले आपको ऐसे 49 2 4 1 9 1 जा 9 4 1 जा 4 3 1 जा 3 9 4 जा 36 9 4 जा 36 36 ऐसे लिखते हैं। 6 यहाँ पे हो गया कैरी 3, और 4 4 जा 16 16 जा 3 19, यहाँ पे 9 आ गया 1 कैरी हो गया, और 4 3 जा 12 12 30, तो 30 है ना। अब नेक्स्ट स्टेप 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, 4 2 जा 8 19, 3 2 जा 6, अब इसको हम ऐड करेंगे 9 6 4 10, और 9 3 12 12 8 20 20, और कैरी 21, 9 3 12 12 14, 6 6 7 7 8 8, यह आपका आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, फाइंड निकाल रहा है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड 7 8 7 8 डिवाइड 39, क्या है। तो ध्यान देना है कि इसको डिवाइड करते हैं 39 से, 2 मतलब 9 2 जा 8, और 3 2 जा 6 7 कट गया, यहाँ से एक रूप में 2 अंक उतारना पड़ रहा है, 2 अंक उतारेंगे उससे पहले 0, पहले 2 मतलब कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 202 आंसर। आप लिखिएगा 202 आपका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, यूजिंग डिवीजन मेथड, क्या कह रहा है कि डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 250, है ना, इसका फैक्टर बताना है, और डिवीजन मेथड से चलिए हम लोग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, गुड इवनिंग, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, यहां से क्लियर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यूजिंग डिवीजन मेथड है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250, 250 को, तो 250 250 इसको प्राइम फैक्टर है, 2 क्या हो जाएगा 1 2 5, अब इसको 3 से जाएगा नहीं जाएगा 5 से, 5 2 5 5 5 5 5 1 2 5 0 का जो है क्या होगा फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए इसका 2 × 5 × 5 × 5 × 2 × 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम लोग आते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 80 एंड द 30 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। ओके तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं यहाँ से, अगर इस चीज को थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो मेरा क्वेश्चन जो है 250 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5 × 5, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर में आपका कर रहा है वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, एलसीएम निकालना है किसका किसका 18 and 30 को। तो पहले 18 निकाल लीजिए, 18 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, हो गया। आप 13 को कीजिए 2 × 3 × 5, क्लियर, यहाँ पे देखिए मिला लीजिए ना 3 × 6 6 × 5 = 30 3 × 6 6 × 18, क्लियर है 18 है तो 18 है और 30 है तो 30 लिखा गया, मैं लिखने का थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, यह फैक्टर में आ गया। अब इसको एलसीएम निकालवाना है, ये दोनों को कॉमन ले लिया, एलसीएम 2 कॉमन हो गया या 3 कॉमन हो गया, और एलसीएम जब निकालते हैं ना तो जो कॉमन नहीं होता जो बच जाता है ना उसको भी नोट कर लेंगे हम। ओके तो वह क्या है आपका यहाँ पे 3 है और नीचे 5 बच गया, अब दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 3 × 6 6 × 9 9 × 5 45, क्लियर, यही 45 जो है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 and 30 ऑफ एलसीएम इक्वल टू 45, आंसर। ओके क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर, समझ गया आया। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्लियर हो गया, देखिए अगर इसका फैक्टर भी निकालते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, फैक्टर अगर निकालते हैं तो क्या होगा देखिए, इसको गौर से ध्यान देना है आपको, देखिए 18 का जो है यहाँ पे देखिए 18 वन तो कॉमन है, ये सबों में वन है, 2 में भी है, 3 में भी है, 3 4 5 में नहीं है, 6 में है, 7 8 9 पे अवेलेबल है, क्लियर। अब यहाँ से देखना है 30 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 है, 6 भी है, 6 के बाद जो है ना क्या हो जाएगा 6 + 7 10 10 × 11 12 13 14 15 15 के बाद एक बार 30 हो जाएगा, क्लियर। अब इस कॉमन देख लीजिए, इसमें 2 तो 1 कॉमन, इसमें 2 कॉमन हो गया, इसमें 3 कॉमन हो गया, इसमें 6 कॉमन हो गया, अब कोई कॉमन नहीं है, यहाँ से निकाल लीजिए 2 × 3 × 6
45 आंसर नहीं मिला जी, 1 2 3 6। अच्छा यहाँ पे 9 भी होना चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 30। इतना ही समझ गया, ये आंसर हो गया आपका। सेकेंड मेथड को नेक्स्ट टाइम में बताएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इतना टू गेट नंबर डिविजिबल बाय 10। इसमें से क्या हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी नंबर कौन सा जो है ना जो स्मॉलेस्ट करेंगे कि 10 से वह डिविजिबल हो जाए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आप डिविजिबल कर दीजिएगा, वह 10 से क्या होगा पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर कौन है आपका, तो द नंबर आपका है 1 3 1 3 4 5 6, यही नंबर है आपका, और उसको 10 से डिविजिबल करना है। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना होगा, इसमें से क्या माइनस करेंगे जो 10 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, 10 से पहले डिवाइड कर दिए 1 3 4 5 6 में, 10 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 मत में जाएंगे 10, 3 4 3 मतलब 30, यहाँ 4 5 हो गया, 4 मतलब 45, 6 5 मतलब 50, ये रिमेंबर 6 बच गया। अगर यही 6 आपको इसमें से माइनस कर दीजिएगा ना, तो ये 10 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या कर रहा है कि व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, वही 6 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर 6, द स्मॉलेस्ट नंबर 6 सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्ट 4 डिविजिबल बाय 10, ओके। तो इस तरह से जो है हम इसको क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, यह ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5 है यार, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 13,456 टू गेट ए नंबर डिविजिबल बाय 10। वह इतना में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें हम कि वह 10 से डिविजिबल हो। तो 10 से डिविजिबल करने के बाद हम क्या किए, रिमेंबर 6 बच गया, यही 6 अगर इसमें से माइनस कर देंगे हम तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 माइनस 6 इसका टू 1 3 4 5 0। अगर इसको 10 से डिविजिबल करेंगे तो पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर अब 7 6, फाइंड द एस सी एफ 45 एंड 40 एंड 60 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एस सी एफ निकालना है, चलिए एस सी एफ निकालते हैं। एससीएफ निकालने के लिए क्या क्या नंबर है, 45 40 एंड
क्या है 60 है। अब इसका आपको क्या निकालना है HCF, प्राइम फैक्टर आइजेशन मेथड से निकालना है। तो देख लीजिए इसको, तो ये ध्यान देना है 45, तो 45 को कर करते हैं हम लोग को यहाँ से 45 का निकाल लीजिए पहले, यह जाएगा 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, क्या आया इसका 3 × 3 × 5, क्लियर। अब जो है इसके बाद 40 है, 42 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 10, 40 का आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 5। अब आपके पास 60 है, 60 × 30, 2 × 15, 3 × 5, तो इसका 60 का क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 5, क्लियर। 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40, ठीक है, 3 × 9 = 45। अब HCF निकालने के लिए कह रहे हैं ना, HCF के तीनों में कॉमन देखेंगे हम लोग, है ना। HCF का मतलब क्या हो गया, इसका HCF का होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर निकला ना, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, इसमें 2 है मगर फर्स्ट वाला में नहीं है, तो नहीं निकाल पाएंगे। एलसीएम में होता है कि कम से कम 2 में भी कॉमन निकल जाएगा, मगर HCF में क्या करना पड़ेगा, तीनों में कॉमन होगा ना, तब ये जाकर हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा जो है यह जो है क्या होगा, 5 ये कॉमन है, 3 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, एक यही 5 मेरा जो है ना कॉमन है, मेरा ये 5 आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से 45, 40 और 60 HCF of 5 answer, okay? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर गया। क्वेश्चन नंबर आपका यह है, क्वेश्चन नंबर यह आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 का क्या है आंसर, 5 आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच डिविजिबल बाय 35। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का विच डिविजिबल बाय 35, और 35 से डिविजिबल है कि नहीं इसको देखना है। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिखेंगे यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 10, 35। 35 से करा है ना, तो पहले इसमें 35 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, 9 9 9 9 है, 35 × 70, 9 और 9 से हो गया 2, यहाँ पे 9 पूरा, तो 14, तो 8 बचते हैं, 280, 9 1
और इसके बाद ये 9 उतरेगा, फाइव 175, 24 जो रिमाइंडर बचा ना, अब इसमें से क्या करना है, 99 माइनस 24 इसकल टू 9 में से किया 45, 9 में से ये 799, ये जो है 9975 यह डिविजुअल हो जाएगा 35 से। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9975। ओके, क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फोर डिजिट, तो फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इतना होता है। वो क्या कर रहा है कि वह 35 से डिविजुअल होना चाहिए, मगर इसमें 35 से डिविजिबल किए तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 24 आ गया, रिमाइंडर आया ना। ये रिमाइंडर अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद क्या आया, 99975। अगर इसको अब हम 35 से डिवाइड करते हैं ना, तो यह पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन आपका 7 नंबर कह रहा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फोर डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 35। तो डिविजिबल बाई 35 कह रहा है, तो 35 यही नंबर है आपका, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 9975, वहाँ पे लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द सम ऑफ द टू नंबर इतना, वन ऑफ द नंबर इतना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ही किया, कह रहा है कि द सम ऑफ द टू नंबर, द सम ऑफ द टू नंबर इतना है, वन ऑफ द इतना है ना, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो दो का सम अप किया तो कितना है, 200 420, जिसमें से वन एक नंबर दिया हुआ है, वन ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर निकल जाएगा, और सेकेंड नंबर जब निकल जाएगा तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट टू नंबर हो जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन को क्लियर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यह हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द सम ऑफ टू नंबर 420, तो उसमें लिखना है कि द वन नंबर एज कितना है जी, 260 है, 260 है ना, तो यहां से लिखेंगे द सेकेंड नंबर एज, क्या करेंगे, सम ऑफ द टू नंबर में से वन नंबर घटा देंगे, 420 माइनस 20 इसका तो क्या जाएगा, 0, 12 में से 6 गया 6 और 1, यह आ गया सेकेंड नंबर आपका आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या कीजिएगा, द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। ओके, तो आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, 260 इंटू 16 है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 का टेबल अगर याद होगा आपको तो बहुत जल्दी कर लीजिएगा, 16 6 96 होता है, 96 है ना,
तो यहाँ पे यह सिक्स लिखेंगे, 39 हो गया, 16 2 32, और 32 और 9, 32 और 9 को ऐड कीजिएगा तो 41, या 41, 10 2 0 2 0 यहाँ पे आ गया, यही प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर हो गया 41,600। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया, एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ द टू नंबर 4,820, द वन नंबर इज 2,16, द सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा 4,20 - 2,16, इसका 2,16। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, द फर्स्ट नंबर इंटू द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 2,60 - 1,60, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 41,600। ओके यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 63, 35, 70 टाइम लिविंग 7 एज रिमाइंडर इच केस। प्रत्येक से जो है ना 7 को माइनस करना है और हाईएस्ट नंबर निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है हाईएस्ट नंबर, तो सबसे पहले सभी से 7 माइनस कीजिए, 63 - 7 35 - 7 77 - 7 ये आपका क्या आ जाएगा 56, यह आ जाएगा आपका 28, यह आ जाएगा आपका 70। अब इस सबका फैक्टर निकाल लीजिए, 56 का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2 से 28, 2 से 7 यही आएगा जी। यहाँ पे लिखिएगा 2 into 2 into 2 into 7 28 का, तो यहाँ से क्लियर कर दिए, ये क्या आ जाएगा 2 into 2 into, और 70 का क्या आ जाएगा 2 से 35, 5 से 7 इसका आ गया 2 into 5 into 7। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या आपको कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 63, 35, 77 लिविंग 7 एज द रिमाइंडर इज केस। कोई सबों में कॉमन निकाल लीजिए तो क्या होगा कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें नहीं हाईएस्ट है ध्यान देना, इसमें 7 हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया 2 into 7 = 40। तो यहाँ पे लिखिएगा द हाईएस्ट नंबर इक्वल टू 14, 1414 आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इतना, इफ देयर एचसीएफ इतना, तो एलसीएम निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लीजिए, क्वेश्चन समझ गया ना। इस केस में मतलब सबसे रिमाइंडर निकालिए, सबसे 7 घटा दिए तो 56 आया, 28 आया, 70 सबका फैक्टर निकालें, तो हाईएस्ट कॉमन लिए हैं दोनों में, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कर रहा, तो हाईएस्ट तीनों में कॉमन ले लिए हम लोग, तो तीनों में 2 है और 7 बाकी नहीं है कोई, यहाँ पे दो ही में है, तो एलसीएम रहता तो कर सकते थे, मगर हाईएस्ट कर रहा तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं तीनों में कॉमन, तो 2 और 7 40, तो द हाईएस्ट नंबर आपका 14 हो गया। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 191, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192। एचसीएफ है आपका
OCF is 4. 4 LCM is what? तो यहाँ पे बनाएंगे इसको द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना इक्वल टू एच सी एफ इन टू एल सी एम. क्लियर? तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर आपका दिया हुआ है 192, एच सी एफ दिया हुआ है 4 इंटू एल सी एम. एल सी एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 192 डिवाइड 4. एल सी एम हो जाएगा आपका क्या, इसको इसके वन रिसीव टोटल करेंगे तो क्या रहा 192 इक्वल टू 1/4. क्लियर? इसको काटेंगे 4 से 4, 4 जा 16 और 3 बचा 2 38. एक मत करें क्या हो गया यार 48. तो आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इसका तो 48 आंसर. ओके, इस तरह से टेस्ट टू का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया. एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको बता दिया गया. अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए, रिवीजन कीजिए, 2-3 बार बनाइएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, बाय. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर. नेक्स्ट चैप्टर आपका है फ्रैक्शनल नंबर्स. अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कल बताएंगे फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होता है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे. तो आप लोग भी फ्रैक्शनल नंबर्स को रीड करके आइएगा, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा. ओके, बाय.